मैं रोज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब उठता हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए, लेकिन आज 9:30 बजे ही मुझे, मैं सोया हुआ था और मेरे नंबर पे रॉन्ग नंबर से कॉल आना स्टार्ट हो गई। और वो कॉल्स कुछ ऐसी नहीं थी कि अगर आप पिक नहीं कर रहे तो वो इंसान ठहर जाए और 1 मिनट के बाद फिर दोबारा कॉल कर ले, कुछ 10 मिनट के बाद कर ले। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो इंसान मुसलसल एक कॉल बंद हो रही थी, फिर उसके बाद दूसरी कॉल, फिर दूसरी बंद होती थी, फिर तीसरी कॉल। इस तरह वो पर्सन मुझे कॉल पे कॉल करी जा रहा था, करी जा रहा था। अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि जिसे नींद बहुत प्यारी है, और मेरे बिल्कुल सराहने पे मेरा फ़ोन पड़ा होता है और उस पर अगर अलार्म भी मैं लगाता हूँ उठने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं उठता। इवन मुझे फील भी नहीं होता कि अलार्म बज रहा है, तो कॉल से मैं कैसे उठूं। बहरहाल ये है कि यार मैं 10 बजे उठा और जैसे ही मैं उठा तो उस पर्सन की कॉल्स मुसलसल आ रही थी मुझे। मैंने नहीं उठाई क्योंकि मैं नींद में था, मेरी आवाज़ भी नहीं इतनी अच्छी थी। यू नो, फिर जब नींद से इंसान उठता है तो थोड़ी ख़राब सी आवाज़ होती है उसकी। सो मैंने कॉल नहीं उठाई, लेकिन चूंकि मैं ब्लड डोनेशन का काम भी करता हूँ, जब किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो वो मुझसे रابطہ करता है, तो मैं अपनी टीम से रابطہ करता हूँ और उनके लिए ब्लड अरेंज करके दे देता हूँ। तो मैंने कहा यार कोई एमरजेंसी मुझे कॉल ना कर रहा हो, तो मैंने क्या किया, तकरीबन उसकी 20वीं या 21वीं या 22वीं कॉल पे मैंने उसकी कॉल उठा ली। सो कैन यू इमेजिन कि उस पर्सन ने मुझे क्या कहा। मैंने कहा हेलो, आगे से मुझे आवाज़ आई हेलो। मैंने कहा हाँ जी, किससे बात करनी है? एंड ही वॉज लाइक, भाई ने बबलू ना गल कराया जे। एंड आई वॉज लाइक यार क्या यार, मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं कोई परेशान होगा, किसी को कोई एमरजेंसी होगी और मैंने कॉल उठाई और आगे से भाई ने बबलू ना गल कराया जे। सो ये तो था जो मेरे साथ आज हुआ। मैंने आज अपने कैमरा का एंगल चेंज किया है, मैंने कहा यार थोड़ा वाइड एंगल में भी बनाएं। वैसे वीडियोस में नॉर्मल कैमरा ही यूज़ करता हूँ मैं, जो वाइड एंगल नहीं होता, लेकिन अभी मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लेंस यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता इसकी क्वालिटी कैसी होगी, मुझे नहीं पता कि मेरी साउंड क्वालिटी आप तक कैसी पहुँच रही होगी, लेकिन फिर भी ट्राई तो बनता ना यार। और हाँ, डोंट जज मी बाय दिस अपर, मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है और मुझे अंदर अपने घर के अंदर बैठ के भी उस सर्दी को कवर करना पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बस शशके हैं। मैंने कहा यार वीडियो के अंदर आना है तो फिर थोड़ा सा यू नो, स्टाइलिश लुक रखनी पड़ती है। एंड या डोंट जज मी बाय माय दिस एसेसरीज एज वेल, एक अलहदा से व्लॉग शूट करना है कि मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ एंड यू नो माई माम विल बी सो हैप्पी ऑन दैट। और सो हाँ यार, ये बात सच है कि मेरे पास व्लॉग्स के आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जैसे मैंने अपनी आई गेस सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि हाउ टू व्लॉग व्हेन यू हैव नो आइडिया, सो उसमें भी मैंने यही बात की थी कि जस्ट सिट एंड पिक अप योर कैमरा एंड टॉक टू इट। और एक और भी है यार कि मैं डेली व्लॉगिंग से स्टार्ट हुआ था, मेरे माइंड में एक गोल बना हुआ था, मेरे पास एक मोटो था कि यार मैंने हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अपलोड करनी है, मैं जो भी बात करूँ आपसे या जो भी मेरे साथ दिन में हुआ हो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, लेकिन मैं वीडियो डेली अपलोड ज़रूर करूँ। लेकिन एक क्राइसिस से गुजरा मैं, जैसे आपको पता है मैंने वीडियो भी अपलोड की, मैंने बनाया कॉन्टेंट बनाया स्पेशली, जिसमें एक स्टोरी टेलिंग भी थी, जिसमें एक फिल्म मेकिंग भी थी और एक व्लॉग भी था कि जिसमें ये जाहिर कर रहा था मैं कि आई हैड अ हाई फीवर, सो उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल सका। तो इट्स बीन अ वीक, एक वीक था पूरा, उसने मुझे इतना इफेक्ट किया कि मैं पर्सनली वीडियोस डालना कम हो गया। सो अब एक हफ्ते के बाद जब मैंने वो वीडियो अपलोड की, उसके बाद आज दूसरा दिन है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, परसों मैंने वो वीडियो अपलोड की थी और ये जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये अभी मैं एडिट करूँगा और फिर इसे कल अपलोड करूँगा, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, पहले आप शूट करो, फिर उसको एडिट करो, फिर उसको एक्सपोर्ट करो, फिर उसको अपलोड करो, और अपलोड होने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता। YouTube की जो HD प्रोसेसिंग होती है वो होते थोड़ा टाइम लगता है। अब आप लोगों को 360p पे तो मैं दिखाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली 720 या फिर 1080p पे आपको दिखाऊंगा। वैसे बनाता मैं 4K हूँ, लेकिन जब 1080p हो जाता है मैं उसे पब्लिक कर देता हूँ। सो रियली सॉरी यार, आज के व्लॉग में कुछ सिनेमैटिक व्यूज़ तो नहीं होंगे, इस कमरे में क्या मैं सिनेमैटिक डालूँ। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।